हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये रहा चौमहला पैलेस पार्ट टू। तो जैसे कि मैंने कहा था, पार्ट टू बहुत जल्दी आएगा, तो ये रहा पार्ट टू। और जिसने भी पार्ट वन नहीं देखा है, मैंने पार्ट वन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और ये है फर्नीचर हॉल। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, मतलब इतनी चीज़ें हैं पर थोड़ी सी भी डस्ट नहीं है इनके ऊपर। और ये जो कपड़े हैं यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वीडियो में शायद उतना अच्छा नहीं दिखे, पर जब आप सामने से देखो तो वैसे ही शाइन है, वैसे ही कलर है इतने साल के बाद भी। और ये वाली फीमेल फुटवेयर जो है, जरदोजी काम था उस पर, और उसका भी कलर नहीं गया था आज भी। और ये वाली जैकेट मुझे बहुत पसंद आई है, काम काला पड़ गया है पर कलर आज भी उतना ही ब्राइट है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और ये रहा गन स्टैंड। और इसे सिला खाना भी बोलते हैं। बोलते हैं जितने भी जंग हुए हैं निजाम के दौर में, वो सब जंग में ये सब चीज़ें इस्तेमाल हुए थे। और ये कलरफुल ड्रेस निज़ाम के सोल्जर्स का रहता था। ये है बैक साइड का खिलवत मुबारक। अभी हम जाएंगे चार महल में। तो जब हम एंटर हुए अंदर, तो हमें पता चला कि सिर्फ दो महल ओपन है और दो महल क्लोज है। जो आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा वो है ताहिनात महल, जो कि सिर्फ फंक्शंस के लिए ओपन होता है। तो हमारे राइट साइड पे है वो है मेहताब महल, वो भी क्लोज है, वो शायद कुछ पेपर वर्क के लिए रहता है, तो हमें जाना अलाउ नहीं है वहाँ पर। और ये जो रूम्स है आपको बाहर भी दिखेंगे, यहाँ पर उनके सर्वेंट्स रहते थे। और ये हम आगे हैं आफ्ताब महल के अंदर। और ये डोर यहाँ पर लॉक है, ऊपर जाना हमें अलाउ नहीं है। मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पर गोल्डन और येलो का बहुत टच है, फिर चाहे वो वॉल में रहने दो, क्रॉकरी में रहने दो, फर्नीचर में रहने दो, कहीं कहीं जगह है। और ये वो ज़माने के एक साड़ीज़ खरा दुपट्टा है, जो कि एम्ब्रॉयडरी वर्क है, और मे भी वो ज़माने में कॉस्टली ही रहते थे होंगे। मैंने बहुत ट्राई किया वीडियो क्लियर आना बोलकर, पर जैसा कि बीच में ग्लास है और अंदर की भी लाइट्स ओपन थी और बाहर की भी ओपन थी, इसलिए क्लियर नहीं आ सकी।
और ये आगे हैं हम अफजल महल। और ये रहा अफजल महल के सामने का व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। फिर से एक चीज़ कॉमन दिखी हमें, येलो और गोल्डन टच। और ये है हम अफजल महल के अंदर। आप बस फर्नीचर देखिए कितना अच्छा है, मतलब लग्जरी टच है इसमें। अंदर जाना अलाउ नहीं है, बीच में चेंज है। और ये वाली कार है 1912 की। वैसे मुझे ये वाले कार्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर आज के ज़माने में अगर ये वाले कार्स है तो अपनी पब्लिक पागल हो जाती, क्योंकि ये इतने बड़े कार्स है, हमारे यहाँ इतनी बड़ी पार्किंग भी नहीं रहती है। और ये वाली कार है 1906 की। तो ये था चौमहला पैलेस, जो कि है ओल्ड सिटी में, सिटी ऑफ हैदराबाद। ये वाले व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नए व्लॉग में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।